बैठ लो फिर से करें। अरे उसमें मन कुमार इस गांव में कोजगरा का त्यौहार आप देख सकते हैं। यहाँ पर रंजीत जो पूर्व में शिक्षक रहे हैं उनके शमदी भी बैठे हुए हैं, सोहरा खासकर हुआ है, रंजीत झा हैं जो हुरलपट्टी के हैं, प्रखंड अध्यक्ष लोजपा के हैं, वो भी यहाँ पर मखान लेने के लिए आए हुए हैं, और सभी लोग उनके जो पुत्र हैं, परिवार के लोग हैं, मौजूद हैं। नवीन चौधरी के पुत्र का है ये कोजगरा, साथ ही आपको बता दें कि भैगरथ चौधरी के पुत्र का कोजगरा है, ऐसे मणिकांत चौधरी का आपने देखा, ऐसे तमाम लोग, दर्जनों लोगों के घर जो है आज कोजगरा हो रहा है और भव्य रूप से यहाँ पर मनाया जा रहा है। देखो देखो, देखो सबसे ज्यादा गोपी ले रही है। मेरे पिहाब में इकट्ठा कर रही थी। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि मिथिला में कोजगरा का जो त्यौहार है वो काफी प्रसिद्ध है। नए नवेले दुल्हा के घर प्रत्येक वर्ष पहली बार और जीवन में एक बार जरूर अनुभव होता है कोजगरा का। आपको बता दें कि कोजगरा में धूमधाम से खासकर समाज के लोगों को भोज भी खिलाया जाता है। इस बीच सीधे तस्वीरें आपने देखा है दरभंगा से, जहां पर सांसद गोपाल जी ठाकुर का मिथिला पेंटिंग पार्क चादरमाला के साथ स्वागत सम्मान, और अश्विनी यादव हायाघाट विधानसभा के भाजपा नेता हैं उनका स्वागत सम्मान किया गया, शिवशंकर सिंह हैं उनका भी, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह सम्मान जो है दरभंगा में, बिहार के दरभंगा की सीधे तस्वीरें, जहां पर आज कोजगरा में खासकर मिथिला का जो महान त्यौहार, जो हम आपने आपको कहा कि ये जो कोजगरा है जिसमें मखान बांटने का जो प्रक्रिया है वो बरसों से चला आ रहा है, मखान बतासा हो पान हो ये जरूर वितरण होता है और सभी लोग आज के दिन खाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दरभंगा के हायाघाट विधानसभा के हायाघाट मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी जो इस वक्त मंडल अध्यक्ष हैं, उनका उनके यहाँ बेटे पुष्कर चौधरी का यहाँ पर खासकर जो कोजगरा हुआ है इसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर आए हैं, पारसनाथ चौधरी आए हुए हैं, और खासकर शिवशंकर सिंह हो या फिर अश्विनी यादव को आपने देखा, या राजेश चौधरी हैं, या फिर विनय कुमार को आपने देखा, या फिर आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशांत कुमार हों पतोर से आए हुए, त्रिलोकीनाथ राय हों, अरुण भगत हों, ऐसे तमाम लोगों को आपने देखा, ये सभी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, सभी लोग पहुंचे। उदय शंकर चौधरी हैं जो माखनपुर निवासी हैं, उन सभी लोगों को आपने देखा, और ये पुष्कर चौधरी हैं जो नबार्ड में, इन्हें नौकरी हुआ और गैंगटोक में इस वक्त पदस्थापित है। आपको बता दें कि काफी गर्व की बात थी तब जब मझोलिया में ये नबार्ड में पहला नौकरी हुआ था पुष्कर चौधरी को। देख सकते हैं पंडित के द्वारा टीका लगाकर आशीर्वाद दिया जा रहा है, ये कलश है, यहाँ पर जो विधि है वो एक महान पर्व और मिथिला को महान इसलिए बनाता है क्योंकि ऐसे महान पर्व और दूसरे कल्चर में देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन इंटरव्यू भी सुनाएंगे और सांसद गोपाल जी ठाकुर का यहाँ पर स्वागत सम्मान और भोजन का जो प्रबंध था, लगभग 500 से ज्यादा लोग इस भोज में शामिल हुए हैं, जिसमें खासकर नवीन चौधरी की जो पुत्री हैं गोपी कुमारी गोपी झा, उनका भी, उनके ससुराल में भी वो कोजगरा था, जिसमें धूमधाम से इन सभी लोगों ने जो खासकर भार होता है, जो अलग अलग मिठाई या फिर मखान या फिर सभी परिवार में जो कपड़े दिए जाते हैं उन सभी को लेकर वहाँ भी भेजा गया और वहाँ भी यही रिवाज किया गया है। और पुष्कर जो हैं उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा जिससे कि इन जो महान जो कवरेज है भारत उदय समाचार को मदद भी करिए, और खासकर ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और स्टार अगर दे सकते हैं तो स्टार से देकर मदद करिए। देखिए पूरा कवरेज, देख सकते हैं किस स्तर पर कितना खुशी का यह माहौल है जो सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। गांव के जो पूर्व के जो मुखिया रहे हैं गुरुकुंड बाबा हों या फिर आत्मानंद चौधरी जो प्रतिनिधि हैं, इन सभी लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मखान वितरण हो रहा है, एक एक घर से लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पूरे रात लक्ष्मी पूजन होता रहता है कोजगरा के दिन, देख सकते हैं यह।
कौन सा त्यौहार मना रहे हैं आज? जी कुजग्रा मना रहे हैं। कुजग्रा? हाँ, ये मिथिला का ये है त्यौहार, तो शादी के बाद इसको मनाते हैं, तो वो शादी का पहला वर्ष में हम इसको मनाए हैं। एक्साइटेड थे कि नहीं इसके लिए? हाँ, बहुत एक्साइटेड थे और इसी के लिए हम आए भी थे। जी पीछे आप नहीं हो ठीक है ठीक दिखा दे ठीक है जी। क्या सब हुआ है खासकर कुजगरा में, आपने क्या सब किया है या फिर क्या इसमें क्या मेन क्या होता है? जी कुजगरा मिथिला क्षेत्र का अनोखा पर्व है जो शादी के प्रथम वर्ष में मनाया जाता है। इसके लिए हम घर आए हैं और उसके बाद यहाँ पे आके चुमान हुआ है और सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और चांदी का कौड़ी खेले हैं और मखान बटा है लोगों के बीच में और ये लाइट घर में थोड़ा सा खाने वाने का भी प्रबंध, भोजन का प्रबंध है गाँव के लोगों के लिए। सो इन शॉर्ट यही हुआ है। नहीं क्या लग रहा है कि जो आपका कल्चर है इसके अलावा और कहीं ये विख्यात है कि नहीं ये पर्व, या फिर सिर्फ मिथिला में ही ये मनाया जाता है? जी भारत में जैसे आपको पता है भारत विविधताओं का देश है, अनेक प्रकार की प्रजाति हैं, अनेक तरह के समूह कास्ट हैं लोगों यहाँ पे, तो हर जगह शादी के प्रथम वर्ष में कुछ न कुछ अनेक पर्व मनाए जाते हैं, तो हर एक समाज का अलग अलग पर्व है। लेकिन मूलभूत यही होता है कि एक वर्ष में नए दुल्हा दुल्हन का आगमन होता है और ये एक तरह से अपने और अपने पार्टनर के सुखद जीवन का एक तरह से उनका वो है उम्मीद रहता है, तो ये मोर और लेस हर समाज में ये मनाया जाता है। आपने बहुत ज़्यादा तजव्वो दिया इस त्यौहार को, आप छुट्टी लेकर के आए ड्यूटी से, तो क्या लग रहा है कि ये हमेशा चलते रहना चाहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी इससे क्या होता है कि जब आप अपने कल्चर से जुड़े होते हैं तो आप अपने रूट्स पे के तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये हमारे समाज के लिए अच्छा होता है ताकि जो वेस्टर्नाइजेशन है हम उससे बचे रहें और जो भी हमारे समाज के अच्छे चीज़ हैं हम उनको लेकर आगे चलें और हम अच्छे संस्कार अपने आगे वाले जनरेशन को दे सकते हैं। मुख्यतः क्या होता है इसमें, अगर एक कुजगरा की बात करें तो मुख्यतः क्या है आज? जी जैसा आपको पता है आज ग्रहण का दिन है, तो कुजगरा का मेन आकर्षण ये पान मखान और बताशा है जो लोग खाते हैं और इसे इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें काफ़ी हंसी मजाक भी होता है, कैसा लग रहा है खासकर आज? जी मैंने दोनों तरफ का किया है, मेरी बहन का भी था तो मैं। अच्छा, बहन का भी था? जी, वहाँ भी जाकर के आपने रस्म निभाया है? जी, पहले वहाँ किए हैं फिर यहाँ आए, तो वहाँ क्या सब हुआ? वहाँ भी यही हुआ, मैं भी जाके चांदी का कौड़ी खेला हूँ वहाँ पे और जो यहाँ पे मेरे ससुराल पक्ष के लोगों के साथ हुआ वहाँ पे वो मेरे साथ हुआ। तो क्या सब लेकर के गए थे बहनों के लिए, जीजा जी के लिए क्या सब लेकर गए थे? जी इसमें लेकर तो पहले ही चला गया था, बाकी मिठाई कपड़ा ये सब तो पहले ही जा चुका था, तो मैं उसके बाद गया था। तो अच्छा, ससुराल में खासकर मिथिलांचल में देखा जाता है मिथिला में कि गालियाँ काफ़ी पढ़ते हैं लोग जीजा को या फिर साले को या फिर दामाद को, क्या आपको कभी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? जी ऐसा मेरे ससुराल में सालिया जो है वो, जी मजाक तो बहुत हुआ है लेकिन गाली का उपयोग तो नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि मजाक होता है, मजाक बिल्कुल होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुष्कर चौधरी। क्या करते हैं आप? जी मैं नबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। कहाँ से हैं, मतलब कहाँ पर? जी मैं मझोलिया गांव का हूँ और मैं सिक्किम में पोस्टेड हूँ। पिताजी का नाम? नवीन कुमार चौधरी, श्री नवीन कुमार चौधरी। Thank you.
लाख के अंदर।